हम खट्टी चटनी बनाने जा रहे हैं जो कि हम कबाब के साथ और भी स्नैक्स के साथ खाते हैं। इसके लिए हमने ली है 20 अदद हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लहसुन है, और मेन इंग्रेडिएंट्स इसका है इमली, जिसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये इमली है आधी कटोरी, और इसके हमने बीज निकाल दिए हैं, और इसी में हम 1 चम्मच भर के नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। मिक्सर की जार में हम पहले इमली को ऐड करेंगे। इमली और नमक मिक्स कर दिया है, अब इसी में हम मिर्चें डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। लहसुन की कलियाँ हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ भी ले ली हैं, हरी धनिया है। अब इसको हम पीसेंगे, जब हमें पानी की ज़रूरत लगेगी तब हम पानी डालेंगे, वरना पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इमली में भी पानी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी, अभी ये गाढ़ी है, अभी एक आध बार और हम, ये देखिए हमने चटनी को पीस लिया है, ये पीस के तैयार हो गई है, ये इतनी गाढ़ी है, और ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी है, सब इसको बहुत पसंद करते हैं और इसको पूछते हैं किस तरह से बनाते हैं, आज हमने आपको बता दिया, अब आप बनाइए इसको इसी तरीके से।